आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ समर्स के लिए नेचुरल ग्लो के लिए एक फेस मास्क जो बनेगा बेसन से, क्योंकि बेसन हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है और नेचुरल इंग्रेडिएंट है, तो ये आपकी स्किन पे कोई हार्मफुल इफेक्ट भी नहीं करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे हमें क्या करना है, फटाफट से एक बाउल लेना है, उसमें ले लेना है बेसन। मैंने यहाँ पे पैकेट वाला यूज़ किया है, आप चाहें तो डायरेक्ट जो चने की दाल होती है उसे पाउडर बना के रख सकते हैं, वो काफ़ी नेचुरल होता है। फिर हम इसमें लेंगे टर्मरिक। हल्दी क्या होता है, एंटी बैक्टीरियल होती है, तो हमारे एक्ने और जो पिंपल्स होते हैं फेस पे उसको रिमूव करने में बहुत हेल्प करती है। तो यहाँ पे हम चुटकी भर इसमें डाल देंगे हल्दी। अब हम तीसरा इंग्रेडिएंट इसमें डाल रहे हैं, एलोवेरा जेल। आप चाहें तो जो प्लांट का नेचुरल होता है उसे भी ऐड कर सकते हैं, वो आपकी स्किन के लिए और अच्छा होगा। ये आपके पिंपल्स और एक्ने को भी कम करता है, नेचुरल ग्लो को बढ़ाने में बहुत हेल्प करता है। एलोवेरा का जो फेस पे अप्लाई करने का है या फिर खाने का, दोनों ही आपको फ़ायदे करते हैं। अब हम ले लेंगे इसमें कच्चा दूध। कच्चा दूध हमारी स्किन पे क्लिंजिंग का काम करता है, तो जितनी भी टैनिंग वगैरह होती है उसको रिमूव करके एक मॉइस्चर को बैलेंस करता है। अब हम इंग्रेडिएंट को मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। इस टाइप से जब ये मिक्स हो जाता है, आप देख लेना कि जो ये मिक्सचर है ये अच्छे से मिक्स हो जाए, उसमें गांठें ना रहें। तो ये देखिए आप, अच्छे से ये मिक्स हो गया। अब हम इसे फटाफट से फेस पे लगा लेते हैं। आप इसे हफ्ते में 2 से 3 बार लगाइए और ये आपकी स्किन पे जो नेचुरल ग्लो है वो बहुत अच्छे से बनाता है और जितनी भी टैनिंग होती है उसको रिमूव करता है। तो यहाँ पे हमने फेस पे इसे फटाफट से अप्लाई कर लिया है। बेस्ट होगा कि आप थोड़ी देर इसको जब अप्लाई कर रहे हैं हल्के हाथों से फेस पे ऊपर की तरफ को मसाज करें। इससे क्या होता है, पोर्सेज में ये अच्छे से लग जाएगा और पोर्सेज में जितना भी डस्ट होता है उसको रिमूव करके आपकी स्किन को नेचुरल ग्लो देगा। और इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट हैं वो बिल्कुल भी साइड इफ़ेक्ट नहीं करेंगे। आप इसको कितनी बार भी अप्लाई कर सकते हैं और ये आपकी स्किन ड्राई हो या ऑयली दोनों पे ही बैलेंस्ड रहता है। आप चाहें तो इसमें शहद का यूज़ भी कर सकते हैं, और अगर आपके स्किन पे टैनिंग ज़्यादा है तो आप इसमें नींबू का यूज़ कर लीजिए, ये ब्लीचिंग का काम भी काफ़ी अच्छे से करता है। तो यहाँ पे हमने इस पे फेस पे अच्छे से लगा लिया है। तो इस टाइप से लगाने के बाद हम इसे 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे और उसके बाद नेचुरल जो पानी होता है ठंडे पानी से फेस को वॉश करना है। पानी जितना ठंडा होता है वो आपकी स्किन की टाइटनिंग में हेल्प करता है। आपने देखा होगा कि कई लोग आइस वाटर जो होता है उसमें फेस को डाल के रखते हैं ताकि इससे स्किन टाइटनिंग हो। तो आपको नेचुरल फ्रेश वाटर लेना है और उससे फेस को वॉश करना है। आप इसे हफ्ते में 3 बार अप्लाई कीजिए। आपकी स्किन पर जितनी भी टैनिंग हो रही है, पिंपल्स हो रहे हैं, एक्ने हो रहे हैं, उनको रिमूव करके आपकी स्किन को नेचुरल ग्लो देगा। तो आप भी एक बार ज़रूर इसको ट्राई करना और अपने कमेंट जरूर शेयर करना, और चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।